कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसलिए निमंत्रण भी नहीं मिलना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये थी, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी तो अभी नए नए हैं, छोड़ो ये पुराने थे लोग, कभी फैजाबाद तक गए रामलला के दर्शन नहीं किए, दो सवा रुपया के बतासा नहीं चढ़ाए, कभी नहीं चढ़ाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किस मुंह से आप मांग रहे हैं निमंत्रण? गजब बेइज्जती है। और आप कह रहे राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, कांग्रेस को इतिहास में झांकना चाहिए। जब भारत का राष्ट्रपति सोमनाथ गया था तो पंडित जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी कि नहीं खींची थी? तू मेरे में हुई थी कि नहीं हुई थी? चिट्ठी में दर्ज है विरोध नेहरू का, लेकिन वो तो धन्य है राजेंद्र बाबू जिन्होंने कहा हम इस बात को नहीं मानते। हर पढ़ा लिखा आदमी पूछेगा जवाहरलाल ने क्यों आलोचना की, खुद नहीं जा रहे थे, राजेंद्र बाबू को जाने में क्यों रोक रहे थे? सोमनाथ कोई गाजा पट्टी थी कि वहां नहीं जाना चाहिए? बात तो सही है, राम फिक्शनल भी है, राम पैदा नहीं हुए, अब उन्हें न्योता दो हमको। लानत है तुम लोग पे, लानत। आप क्या करोगे न्योते में जब राम पैदा ही नहीं हुए, तो आप जाके क्या करोगे न्योते में?